हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा पीटरहाफ में युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को अपनाकर उन्हें अनुसंधान के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 46 विद्यार्थियों को इसमें पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है वह सभी ग्रामीण परिवेश के हैं और ये विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। बता दें कि इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में 10.2 विज्ञान विषय में पहले 10 स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहला स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए की राशि, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 90,000 रुपए और तीसरा स्थान अर्जित करने वाले विद्यार्थी को 80,000 रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। निश्चित रूप से बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे, और खासतौर से हम तो ऐसे बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश के हैं, ग्रामीण परिस्थितियों में जो रहते हैं, वहां पर भी टैलेंट बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में, और इसलिए वो टैलेंट आगे आए। इस दृष्टि से जो हमने एक कॉम्पिटिशन जो है जिसको बाल विज्ञान सम्मेलन के रूप में जो है वो आयोजित करके ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना जो आगे बढ़ करके जो है नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो है साइंस के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित हों, और उस दृष्टि से मुझे प्रसन्नता है कि आज 46 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, और ये बच्चे वही हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि कोई बहुत इस प्रकार की नहीं है कि बहुत ऐसे साधन संपन्न परिवार के, सामान्य परिवार, गरीब परिवार के, लेकिन बच्चों में टैलेंट है। और मैंने आज इस बात को लेकर के अपनी बात कही कि टीचर्स और पेरेंट्स को मिल करके, अभिभावक और अध्यापकों को मिल करके बच्चे का रुझान जिस विषय में है उसमें आगे प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर एक साथ मिल करके काम करें तो बच्चे का भविष्य भी और उसके साथ साथ में माँ बाप का नाम भी रोशन होगा और उसके साथ में अपने टीचर्स का जो अध्यापक है उनका भी नाम रोशन करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जो है उनने बच्चों ने जो है वो काम किए हैं। आप यहाँ पर सामने जो प्रदर्शनी लगी है तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव बच्चों ने लिए हैं नई नई चीज़ों को जोड़ करके। उस दृष्टि से मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं उसमें पंचायती राज संस्थाओं में जो लोग चुन करके आए हैं अब की बार बहुत बड़ी संख्या में नौजवान हैं और बहुत बड़ी संख्या में अच्छे पढ़े लिखे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सबसे नीचे की कड़ी मूल इकाई जो है वो पंचायती राज संस्थाएँ होती हैं, और वहाँ ये नौजवान अच्छा काम करें, पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छा काम करके जो है अपने क्षेत्र के, अपनी पंचायत के लोगों के लिए सेवा भाव के साथ काम करके, ईमानदारी के साथ काम करके अपने क्षेत्र का विकास करें, ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद हम सब लोगों को इस बार हिमाचल प्रदेश में है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।